पस्त हिम्मत करते हैं, शिकवा बैठ कर नसीबों का, उगने वाले उग जाते हैं, सीना चीर कर पत्थरों का। नाज़रीन, रूबरू के इस खसूसी शुमारे में आपका खैर मुकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। कहते हैं अगर इंसान के पास हौसला हो, हिम्मत हो, जज्बा हो, शौक हो, तो कोई भी चीज़ हासिल करना नामुमकिन नहीं है। इसी की मिसाल है लोलाब के मलगुन इलाके के एक जवां साल मोबाइल मैकेनिक इरशाद अहमद की। इरशाद अहमद बचपन से ही जिस्मानी तौर से नाखेज़ हैं, यानि इरशाद अहमद दोनों बाजुओं से बचपन से ही महरूम है, लेकिन कुदरत ने इन्हें ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि ये हाथों का काम पैरों से कर रहे हैं। मेरा वाक़ा तो कुछ नहीं है, मेरा वाक़ा तो जन्म से ही ऐसी हुआ है जी। ये अल्लाह की कर्म है, ये अल्लाह ने दिया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हादसा नहीं है, कोई मामला नहीं है, ये ऐसी जन्म से। मैंने अभी तक 12th तक मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया है मैंने जी जी। तो मैंने सोचा कि रोज़गार मिला, मतलब मैंने रोज़गार नहीं मिला, मैं मजबूर था कि कमाने के लिए, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं पोर था कि, लेकिन मुझे पास बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा, आज आप क्या काम कर रहे हैं? अब मैं इस वक्त कंप्यूटर भी साथ काम कर रहे हैं जी, लेकिन मोबाइल काम भी। अच्छा, जो मोबाइल काम है इसके लिए हाथों का होना ज़रूरी है, तो आप किस तरह से कर पाते हैं? मैं पैर से भी सब कुछ काम कर सकूँगी। अच्छा, लेकिन मेरा हाथ पैर है। आपका हाथ? हाँ, पैर है बिल्कुल। मैं पाँव से पूरा काम करता, कि राइटिंग भी हो या रिपेयरिंग भी हो, मैंने ऐसे ही काम। जो कोई उस्ताद था मेरे पास, वो जो कुपवारा में भी, यहाँ श्रीनगर में भी, मैंने पहले पहले ऐसे ही सीखा जी। हाँ, आप लिखते भी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं राइटर भी हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर भी हूँ, लिखते राइटिंग भी करते हूँ, पैर से भी। अच्छा, पैर से? हाँ, पैर से भी। जो मेरी मैसेज ये है कि अगर सरकार को जी, मैं ये गवर्नर साहब से मैसेज कर रहा हूँ, मैं गुजारिश यही है कि मुझे रोज़गार चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई सहारा, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है जी। बस यही मैं है आखिरी गुजार। मैंने बहुत भी इंटरव्यू दिया है, मैंने बहुत मीडिया भी, श्रीनगर से मीडिया आया, यहाँ जम्मू से भी मीडिया आया देखने के लिए, वो उसने प्रैक्टिकली भी देखा ये काम, तो मगर मुझे कुछ नहीं, हेल्प नहीं मिला। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हाथों का होना बेहद लाजमी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह आपने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह ने सोच दिया मुझे, मैंने काम किया स्टार्टिंग, तो मैंने सब कुछ काम भी पैर से भी किया है, मुझे हिम्मत हाली की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यही है मेरी गुजारिश है कि आज मुझे रोज़गार चाहिए, कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं बहुत गरीब, मैंने भी पढ़ा है बहुत से, आज मेरे पास कोई मुश्किलों का बहुत मैं मुश्किल में था, उस्ताद था, दोनों उस्ताद मंदिर साहब था, इतिकुला साहब था, वो भी उसने ट्राई किया, मेरे भाई भी था, पहले मैंने भाई को ट्राई दिया मैंने घर में ही, उसके बाद मैं स्कूल गया था, उसके बाद मैंने वहाँ किया। हमारे साथ बात कर रहे थे इरशाद अहमद, आपने इनको सुना। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे बासलाहियत लोगों की तरफ तवज्जो दे, ताकि ये अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर